आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर से हम मृत्यु, पूर्व जन्म और जन्म के बाद मृत्यु के ऊपर बात करने वाले हैं। इसी वीडियो सीरीज में हमने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था पूर्व जन्म और उसकी योनि तथा किस स्थान से आप आए हैं, जिसमें हमने आपकी कुंडली के आधार पर बात किया था कि आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से जो भी ग्रह बली है उस ग्रह को आपके द्वेषकान कुंडली में देखना है कि वह किस ग्रह के राशि में स्थित है, और उस आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आप किस लोक से पधारे हैं तथा आपकी क्या योनि थी। उसी प्रकार आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद आपकी किस लोक में गति होगी, आप किस लोक को जाएंगे, मरण के अनंतर गंतव्य स्थान का आज हम वीडियो में ज्ञात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी को बतला दूं कि यहाँ पर जो भी फलादेश आपको दिया जाएगा यह सभी फलादेश बिल्कुल ऑथेंटिक है और प्रामाणिक ग्रंथों से लिए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं, उन 18 प्रवर्तकों ने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की है और उन ग्रंथों में जो वर्णित है वह शाश्वत सत्य है और उसमें संदेह नहीं किया जा सकता। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, जो भी संदेहास्पद वाले व्यक्ति हैं जिनका मन सदैव संदेह में लगा रहता है, कृपया वह इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे द्वारा उन ऋषियों का अपमान हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता। वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू व्यूवर्स हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखें, कृपया स्किप आउट ना करें, क्योंकि हमारा यह पूरा प्रयास रहता है कि वीडियो के हर एक क्षण में आपको कुछ ना कुछ गुह्य गोपनीय ज्ञान दिया जाए। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में पृथ्वी लोक से ऊपर 7 लोक और पृथ्वी लोक से नीचे 7 लोक माने गए हैं। अब इन्हीं लोकों को हम 4 मुख्य लोक में बांट सकते हैं। एक तो देवलोक, जिसे हम स्वर्ग लोक कह सकते हैं या फिर देवलोक कह सकते हैं। दूसरा है पितृलोक, तीसरा है भूलोक, जहाँ पर हम वास करते हैं, हम मनुष्य गण जिस लोक में वास करते हैं वह भूलोक है, और चौथा है नरक लोक, जो भूलोक से नीचे का लोक है उसको बस एक नरक लोक की संज्ञा दी गई है। तो पराशर ऋषि ने अपने होरा शास्त्र के मारक भेदाध्याय के श्लोक नंबर 43 में इसके रहस्य को खोला है कि किस प्रकार हम जान सकते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आप किस लोक में जाएंगे तथा आपके उस लोक में किस किस प्रकार के भोग होंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके लिए आपको अपने जन्म कुंडली के 6th, 7th और 8th हाउस को देखना है, 6ठा भाव, 7th भाव और 8ठ भाव को देखना है। अब इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में यदि बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान है तो आप देवलोक को जाएंगे, आप अपनी मृत्यु के बाद देवलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली के 6ठे, 7वें या 8ठ स्थान में चंद्रमा या फिर शुक्र ग्रह है तो आप पितृलोक को जाएंगे। पितृलोक चंद्रलोक में माना गया है, चंद्रलोक चंद्रमा का जो डार्क साइड ऑफ द मून है वह पितृलोक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पितृ देवता वास करते हैं और हमारे पितृगणों का वह लोक है। किसी भी कार्यवश या फिर किसी बंधनवश कोई पितृ देवता यदि इसी कॉस्मिक एनर्जी से बंधे रह जाते हैं तो उनका निवास उस चंद्रलोक में होता है, उस पितृलोक में होता है। यदि आपकी कुंडली के 6ठे, 7वें या 8ठ भाव में सूर्य या मंगल ग्रह में से कोई एक ग्रह है तो आप भूलोक में ही पुनः जन्म लेंगे, आपका जन्म इस पृथ्वी में ही होगा। उसी प्रकार चौथा लोक है नरक लोक, जिस भी जातक की कुंडली में 6ठे, 7वें या फिर 8ठ भाव में शनि ग्रह या फिर बुध ग्रह हो तो ऐसा जातक मृत्यु के बाद अधोलोक को जाता है, अर्थात नरक लोक को जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पर जो भी 4 लोक बतलाए गए हैं, देवलोक, पितृलोक, भूलोक तथा नरक लोक, इन लोकों में से कोई भी लोक किसी भी लोक से ऊपर या नीचे नहीं है, स्तर वाइज देखा जाए तो। क्योंकि कई लोगों का यह मत होगा कि नरक लोक में जाएंगे तब तो यह बहुत ही बुरा बात है, बहुत ही अशुभ बात है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो पृथ्वी लोक से नीचे के 7 लोक हैं वह स्वर्ग आदि लोकों से कई अधिक समृद्ध सुख और शांति के साथ हैं। वहां पर के जीव बहुत ही धर्मी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि नरक लोक में ही भगवान विष्णु के जो परम भक्त हैं, भक्त प्रहलाद जी, उनका भी निवास नरक लोक में ही है। उन 7 लोकों में से एक लोक का पूरा आधिपत्य भक्त प्रहलाद को मिला हुआ है, और भक्त प्रहलाद के जो पौत्र थे राजा बलि भी उनके जस्ट नीचे वाले लोक के अधिपति देवता हैं। वहाँ पर उनका राज्य चलता है और उनके राज्य में पूर्ण धर्म की स्थापना है। वहाँ पर लोग धर्मी हैं, सत्कर्म को करने वाले हैं, और अनेक प्रोस्पेरिटी के साथ होता है नीचे का लोक भी। उसी लोकों में से सबसे नीचा लोक जो है वह नरक का लोक माना गया है, जहाँ पर किसी भी आत्मा को वेदना दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है उनके भोग शरीर के साथ। तो यह बहुत ही डीपर साइंस है, इसको समझने के लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। लेकिन मैं आपको यही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके कुंडली के 6, 7 या 8 भाव में बुध या शनि ग्रह है, क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति आदि, बल आदि से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि उन लोक में भी आप कष्ट को भोगेंगे या फिर सुख चैन के साथ रहेंगे। और इन रहस्यों का खुलासा पराशर ऋषि ने अपने उसी अध्याय में श्लोक नंबर 44 में दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 लोकों का वर्णन किया और आपकी कुंडली के 6, 7 और 8 भाव में स्थित ग्रह के आधार पर यह हम ज्ञात कर सकते हैं कि आप किस लोक में जाएंगे। बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, यदि आपकी कुंडली के 6, 7 और 8 भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तो हम फिर इस चीज़ का विश्लेषण किस प्रकार करें। और इसी चीज़ का उपदेश पराशर ऋषि ने अपने इसी अध्याय में श्लोक नंबर 44 में किया है। उनके मतानुसार यदि कुंडली के 6, 7 और 8 भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है तो उसके लिए आपको अपने द्वेषकान कुंडली को देखना होगा। ध्यान से सुनना है, आपको अपने द्वेषकान कुंडली को देखना है और द्वेषकान कुंडली के 6 भाव के स्वामी जो ग्रह हैं और 8 भाव के स्वामी ग्रह जो हैं, इन दोनों ग्रहों में से जो भी ग्रह सर्वाधिक बली है आपकी कुंडली में, उसी ग्रह के लोक में आप जाएंगे। अर्थात कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी द्वेषकान कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है, तो कन्या लग्न की कुंडली में 6 भाव के स्वामी शनि ग्रह हैं और 8 भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं। अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में शनि या मंगल ग्रह में से कौन से ग्रह सर्वाधिक बली हैं, और ग्रह बल को देखने के लिए आप ग्रहों के षड बल को देख सकते हैं। यदि आप इसका कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो आप कुंडली के किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालकर ग्रह बल को देख सकते हैं। वहां पर ग्रहों के षड बल को दर्शाया जाता है, उसमें ग्रहों को अंक के रूप में बल दिया गया है, 1 से 7 अंक तक है। अब शनि ग्रह और मंगल ग्रह में से जिस भी ग्रह का सर्वाधिक अंक है वह ग्रह आपकी कुंडली में सर्वाधिक बली है और उसी ग्रह के लोक में आप जाएंगे। मान लीजिए मंगल बली है तो आपका जन्म पुनः भूलोक में ही होगा, और मान लीजिए यदि शनि बली है तो आपका जन्म नरक लोक में होगा, आप अधोलोक को जाएंगे। अब हम बात करते हैं, आप जिस भी लोक में जाएंगे लेकिन उस लोक में आपका किस प्रकार का भोग होगा, आप किस प्रकार के भोग को भोगेंगे। मान लीजिए आप नरक लोक में जाते हैं तो क्या आप नरक लोक में उच्च कोटि के जीव बनेंगे, क्या वहां पर सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को भोगेंगे, सुख ऐश्वर्य भोग विलास में रहेंगे, या फिर आप नरक लोक में वेदना को सहेंगे, कष्ट को सहेंगे। इन सभी चीजों का विश्लेषण पराशर ऋषि ने अपने अगले श्लोक में दिया है, श्लोक नंबर 45 में। पराशर ऋषि के अनुसार कुंडली के 6, 7 और 8 भाव में जो भी ग्रह विराजमान होता है उसी ग्रह के लोक में आप जाते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में 1 से अधिक ग्रह विराजमान है तो उन दोनों ग्रहों में जो भी ग्रह सर्वाधिक बली रहेगा उसी ग्रह के लोक में आप जाएंगे। ग्रह के बल को किस प्रकार देखना है मैंने आपको बतलाया है। अब आपकी कुंडली के 6, 7 और 8 भाव में ग्रह की स्थिति क्या है वह निर्धारित करती है कि आप उस लोक में जाकर किस प्रकार के भोग को प्राप्त करेंगे। ग्रह किस प्रकार की राशि में स्थित है
क्या वह ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, या फिर अपने शत्रु या फिर मित्र राशि में स्थित हैं, तो जिस प्रकार का ग्रहों का स्थिति रहेगा उस प्रकार के भोग आपको उस लोक में प्राप्त होंगे। भोगों के तीन प्रकार बतलाए गए हैं, उत्तम, मध्यम एवं अधम। अर्थात यदि ग्रह अपने उच्च अवस्था में है, अपने उच्च की राशि में है, तो जातक को उत्तम भोग की प्राप्ति होती है। यदि ग्रह अपने नीच अवस्था में है तो जातक को अधम भोग की प्राप्ति होती है। और यदि ग्रह अपने मध्यम श्रेणी में है, ना ही बहुत उच्च का है ना ही नीच का है, एक मित्र राशि में स्थित है या फिर सम राशि में स्थित है, तो ऐसा जातक मृत्यु के बाद उस लोक में जाकर मध्यम फल को भोगता है। दोस्तों यहाँ पर कई अन्य पहलुओं को लेना होगा, जैसे आपकी कुंडली के छठे, आठवें और अष्टम भाव में कितने ग्रह विराजमान हैं, उन ग्रहों में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक बली है, और जो ग्रह बली है उस ग्रह के साथ अन्य किस ग्रह की युति है, अन्य कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है, यह सभी चीज़ बहुत ही डीप एनालिसिस का विषय है। मैंने आपके सामने इस ज्ञान को रखा कि आप एक सूक्ष्म विश्लेषण कर पाएं, चीज़ों को समझ पाएं, अपने कर्मों को अवलोकन कर पाएं और उस आधार फिर अपने कर्मों को बरतें कि आपको उत्तम भोग की प्राप्ति हो सके। आने वाले वीडियो में हम मृत्यु और आयु के ऊपर कई सारे वीडियोज़ बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास कई कॉल्स आते हैं, कई क्वेरीज आती हैं कि आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बतलाएं, मेरे मृत्यु के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में बतलाएं, मेरी क्या आयु है, मेरी मृत्यु कब होगी, किस प्रकार होगी, तो इन सभी विषयों के ऊपर आपको वीडियो अवश्य दिया जाएगा कि आप सभी लाभान्वित हो सकें। दोस्तों यह सभी ज्ञान बहुत ही गुह्य और गोपनीय ज्ञान है, और इन सभी ज्ञान को हमारे ऋषियों महर्षियों ने अपने ग्रंथों में रचित किया है, और उस चीज़ को पढ़कर हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं, अपने मन के जो सवाल हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी वीडियो सीरीज़ में हम अन्य कई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे, जैसे आपके मरण का स्थान कथन किस प्रकार किया जाए, किस स्थान में आप मरेंगे, किस तीर्थ क्षेत्र के पास आप मरेंगे, और भी कई ऐसे गुह्य टॉपिक हैं, जैसे कि आपकी मृत्यु के बाद आपके शव की क्या स्थिति होगी। तो यह बहुत ही सेंसिटिव विषय है जो सभी लोग नहीं सुनना चाहते, और इसीलिए मैं इन विषयों के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे पास क्वेरीज आती हैं, जिस प्रकार से मेरे पास कॉल्स आते हैं, मुझे विवश होना पड़ रहा है कि मैं इन विषयों पर कुछ वीडियोस बनाऊं। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।